أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے सारे आलम पर ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु मलाइका रसूलुल्लाह जब तक के चांद सितारे दिल में के जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम पर ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातुम लेका या रसूलल्लाह माय नेम इज मोहम्मद अहमद मलिक आई रीडिंग मोंटेसरी जूनियर माय स्कूल फिशर फाउंडेशन स्कूल टुडे माय टॉपिक इज रामकबाल इज अ नेशन पॉइंट ही वाज बोर्न ऑन 9 नवंबर ही रोट मैनी बुक्स एंड पोएम इस एमो पोएम इस तब पे आती है लोहा बन के तमंद मेरी ही इज अ ग्रेट थिंकर आई लव रामकबाल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन हो रसमा चलती रहे ये कारोबार दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल एंड डिग्री कॉलेज इट केम इनटू बीइंग ऑन 20th मार्च 1998 इट हैज 6 कैंपसेस Its students are leading in every field of life. Alpha BB got 10-15 marks on SSC level and proved that Future Foundation School is the best school in the area. It has good environment, generator backup, highly qualified staff, strong security system, good writing style and a lot of the properties which make it exemplary. I love my Future Foundation School. Thanks. Dil Pakistan ja Pakistan dil Pakistan ja Pakistan dil Pakistan ja Pakistan aisi zameen ho rasma chalti rahe ye karobar dil Pakistan ja Pakistan dil पाकिस्तान जा पाकिस्तान ऐ मेरे वतन तेज़ कदम हो फिर तुझसे मिला है वो कदम जिस पे कदम हो ऐ मेरे वतन है पाक चमन ऐ मेरे वतन तेज़ कदम हो फिर तुझसे मिला है वो कदम जिसमें कदम हो हरे पहले वतन है रे जो दुनिया में कहीं हो मिल्लत की वो इज्जत कहमी हो अल्लाह के नबी पे उसे ईमान ये भी हो इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो फिर तुझसे मिला है वो कदम जिसमें कदम हो ऐ मेरे वतन है पाक चमन ऐ मेरे वतन तेज़ कदम हो Head and shoulders, knees and toes, eyes and ears, lips and nose. We are going day by day, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dil Pakistan, ja Pakistan, dil Pakistan, ja Pakistan. Aisi zameen ho rasma chalti rahe ye karobar dil Pakistan ja
जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा। सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब क्या तीन आइडियल स्कूल में होनी चाहिए खूबियाँ, तो पहली तो बात ये है कि वो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी करे, ठीक है। एंड सेकेंडली वो बच्चों को जो है उनके मॉरल सपोर्ट करे, जैसे कि आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं जिसमें बच्चे पेरेंट्स की इतनी बात नहीं सुनते हैं, नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते, दीनी अखलाकियात उनकी तरफ जो है वो कम हो रही हैं, ठीक है। तो वो मॉरल्स उनकी टीचिंग भी होनी चाहिए। और तीसरा जो है ज़हरी बात है वो तीसरी जो चीज़ है बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हों, वो सिर्फ रेटलाइजेशन पर ना हो। तो ये तीन चीज़ें अगर एक स्कूल में होता, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्कूल। पहले थोड़ा यानी कि रटलाइजेशन होता था, लेकिन अब हर चीज़ के कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर किए जाते हैं बच्चों के, और हर चीज़ यानी कि बच्चों की राइटिंग, स्पोकन, हर एक चीज़ को देखा जाता है। करेक्टर बिल्डिंग बहुत की जाती है, क्योंकि सर मुझे तो यानी कि मॉन्टेसरी का ही आइडिया है, मैंने स्टार्ट से ही ना मॉन्टेसरी ली है। थोड़ा टफ है इनको गाइड करना, लेकिन अब यूज टू हो चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त बहुत सारे बच्चे आर्मी में जा चुके हैं, MBBS डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर हैं, हमारी कुछ बच्चियां फॉरेन से PhD कर रही हैं। तो इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए प्रॉपर इंजीनियर, और मेडिकल के शोबे में, हर शोबे में हमारे बच्चे माशाल्लाह अपना लोहा मनवा रहे हैं। और हमारा बच्चा जब मैट्रिक के बाद किसी कॉलेज में जाता है तो, या हमारे जब मैट्रिक के पेपर हो रहे होते हैं, तो राइटिंग के हवाले से तमाम प्रिंसिपल्स, चाहे वो FG के जो सेंटर्स बनते हैं, तो उन बच्चों से बच्चे पूछते हैं कि आप कौन से स्कूल के बच्चे हैं। हमारे बच्चे इस तरह से हम उन्हें तैयार करते हैं कि वो इस दुनिया के अंदर जो है वो इस दुनिया का मुकाबला कर सकें।